हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस। बेटा, आप लोगों की एमसीसी ने काउंसलिंग स्टार्ट करवा दी है। बहुत सारी जगह स्टेट काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। मैंने पिछले वीडियो में अपने राउंड टू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की थी कि राउंड टू में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। बेटा, अब इस वीडियो में मैं उन बच्चों के बारे में बात करूंगी जो आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और वो वरी कर रहे हैं कि आयुष की काउंसलिंग में राउंड वन की कट ऑफ क्या जाएगी। बेटा, आप सबको पता है कि आयुष की जो काउंसलिंग है वो डबल ए ट्रिपल सी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है बेटा, 10 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग वो नोटिफिकेशन डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें और उसमें सारी डेट लिखी हुई है कब से कब तक रजिस्ट्रेशन करना है, कब आपको लॉक करना है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, कब आपको फीस सबमिशन करना है, तो सारा उसके अंदर लिखा हुआ है। तो उस नोटिस को अच्छे से पढ़ लें। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। बट मेरे पास बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैडम बीएएमएस की कितनी जाएगी कट ऑफ, बीएचएमएस की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, उसको लास्ट तक देखना। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी भारत सरकार ने भी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया है कि जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो इक्विवेलेंट हैं एमबीबीएस डॉक्टर के। तो इस वजह से हमारे देश में बीएएमएस और बीएचएमएस का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। और यहाँ पर भी आप काफ़ी लाखों में अर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस इज़ द ओनली ऑप्शन जहाँ आप अर्न कर सकते हो, बीएएमएस की भी उतनी ही वैल्यू है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए बेटा हम अपना वीडियो शुरू करते हैं कि हमारी ये जो काउंसलिंग है इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। बेटा, सबसे पहले मैं आपको एमबीबीएस की जो कट ऑफ गई है, जो अभी कट ऑफ गई है गवर्नमेंट कॉलेज की, वो बताती हूँ। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैडम ये क्यों डिस्कस कर रही है। बेटा, क्योंकि जो हमारी बीएएमएस बीएचएमएस की कट ऑफ है वो बहुत हद तक एमबीबीएस की कट ऑफ पर डिपेंड करती है। अगर एमसीसी की, एआईक्यू, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ डिक्रीज होती है तो बीएएमएस बीएचएमएस की कट ऑफ भी डिक्रीज होती है। अगर उनकी इंक्रीज होती है तो इनकी भी इंक्रीज होती है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एमसीसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डबल ए ट्रिपल सी की। तो जैसी कट ऑफ वहाँ आएगी उसी तरीके से मिलती जुलती कट ऑफ यहाँ आएगी। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं बेटा, लास्ट ईयर के मुकाबले जैसे कि हम, मैं एमबीबीएस की कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूँ, अगर हम देखते हैं एमबीबीएस की कट ऑफ, इस बार जो कट ऑफ हमारी एमबीबीएस की रिलीज हुई है, लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी, लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी बेटा वो थी 13979, लास्ट ईयर की जो क्लोजिंग रैंक थी। और इस बार जो क्लोजिंग रैंक है वो 17401 है, यानी कि लगभग 3000 जो रैंक है वो डाउन गई है कट ऑफ। 3000 रैंक ज़्यादा वाले बच्चों को इस बार राउंड वन में एडमिशन मिला है, कॉलेज अलॉट हुआ है। इसी तरीके से अगर हम ओबीसी की देखें तो 15662 से 18034 गई है, ये भी लगभग 3500 के अराउंड गई है। EWS के अंदर 14800 से 18989 गई है, लगभग 4000 के अराउंड यहाँ हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम SC की बात करें तो 78780 से 89542 गई है, यानी कि हमें 11000 का रैंक का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ST की कट ऑफ के अंदर हमने लगभग 20000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो बेटा, जो रैंक है वो लगभग लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार 3000 से लेके 11000 तक का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी। इसी तरीके से इसी डेटा का यूज़ करते हुए हम अपनी बीएमएस और बीएचएमएस की कट ऑफ देखेंगे। लेकिन बेटा, आप एक चीज़ देखो, लास्ट ईयर अब जो क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी के अंदर वो थी 612, एमबीबीएस की थी वो 612 और इस बार सिर्फ 608 गई है। तो यानी मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 नंबर का डिफरेंस है, लेकिन रैंक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एक एक रैंक पर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो हम मार्क्स और रैंक को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये जो बीएमएस की कट ऑफ है ये बहुत ही ज़्यादा एआई टूल लगा के हमने बहुत ही मार्क्स और रैंक इसके अंदर निकाली है और उसको देखते हुए हम बना रहे हैं। तो बेटा, अब हम बात करते हैं अपनी बीएमएस की कट ऑफ, कि हमारी कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। बेटा,
बेटा मैं अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं, पहले हम मार्क्स की बात कर लेते हैं बेटा। अगर हम मार्क्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड वन में, जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 533 जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस बार हम लोगों का मानना है कि 520 तक हो जाएंगे। मार्क्स में सिर्फ 13 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है बेटा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी रैंक ज़्यादा होती जाती है मार्क्स कम होते जाते हैं, तो एक एक मार्क्स पे 10,000 बच्चा भी होता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि मार्क्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। रैंक में अगर हम मान के चलें कि लास्ट ईयर अगर जनरल कैटेगरी के रैंक 57,982 थी, 57,982 थी, तो इस बार हम मान के चल रहे हैं 59,000 से 60,000 जिसकी रैंक होगी वो उसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। तो जो 59,000 मैंने लिखी है उसमें आप प्लस माइनस 500 कर सकते हो, ये मेरी बहुत ही सेफ रैंक है। इससे ऊपर वाले को भी 60,000 तक भी मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि उसको फर्स्ट राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज BMS का अलॉट हो जाएगा। अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC में जो लास्ट ईयर मार्क्स थे वो 530 थे, 530 थे, तो इस बार जो 515 जिसके मार्क्स हैं उनको राउंड वन में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर हम रैंक की बात करते हैं बच्चों, तो रैंक 60,759 थी OBC की लास्ट ईयर 2021 के अंदर, तो इस बार जिनकी रैंक 62,000 से 62,500 तक है उनको लगभग कॉलेज अलॉट हो जाएगा। बेटा ये मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रही हूँ, मैं राउंड टू या मोपअप राउंड की बात नहीं कर रही हूँ। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि किस रैंक तक बच्चों को BMS VHMS अलॉट हो सकता है, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी हम सिर्फ और सिर्फ राउंड वन का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। EWS की बात करें तो लास्ट ईयर जिन बच्चों के 529 नंबर थे उनको राउंड वन के अंदर कॉलेज अलॉट हो गया था, तो इस बार हम आशा कर रहे हैं कि 518 नंबर वाले बच्चों को राउंड वन के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर हम रैंक देखें तो 61,363 लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी EWS के लिए, तो इस बार जो रैंक है वो 63,000 से 63,500 जिनकी रैंक है उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। SC कैटेगरी बड़ा ही रैंडम कैटेगरी होती है बेटा, यहाँ पर मैंने बहुत ही कम डिफरेंस लिया है रैंक का, लगभग 3,000 का करीब लिया है, लेकिन ये मान के चलो कि कम से कम 5,000 तक का डिफरेंस आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर SC कैटेगरी में लास्ट ईयर 170,000 के अराउंड अगर क्लोजिंग रैंक थी, तो इस बार मैं मान के चल रही हूँ 174,000 से 75,000 जिनकी रैंक होगी उनको मिल जाएगा। और अगर ST कैटेगरी की बात करें तो 197,123 लास्ट ईयर की रैंक थी, तो इस बार 199,000 जिनकी रैंक है, और इससे भी आप 500 रैंक और ऊपर लगा लो बेटा, उनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ST कैटेगरी में जिनके मार्क्स बेटा 395 आ रहे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनको ईजिली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मैं BMS के राउंड वन की बात कर रही हूँ बेटा, इससे कम वालों को भी होगा, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे, हम राउंड टू और मोपअप राउंड की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। और SC कैटेगरी के अंदर जो लास्ट ईयर की रैंक थी बेटा वो 417 थी, तो इस बार हम मान के चल रहे हैं जिनके 415 जो मार्क्स आएंगे उन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी के साथ अब हम BHMS की बात करते हैं बेटा, BHMS के अंदर क्या क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से अलॉटमेंट होंगे, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि BHMS की क्लोजिंग रैंक लिखी हुई है 2021 की, और क्लोजिंग मार्क्स भी लिखे हुए हैं, तो उसी को कंपैरिजन करके हमने ये BHMS का डेटा तैयार किया है बेटा। अब देखो बेटा, मार्क्स जो है 2021 में 481 पे जनरल को कॉलेज मिला था राउंड वन के अंदर, तो अब बेटा जिनके 475 मार्क्स हैं, मैं तो कहती हूँ जिनके 472 भी हैं, तो मुझे लगता है कि उनको कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट ईयर जो रैंक थी वो 101,849 थी, तो इस बार जिन बच्चों की रैंक 103,000 से 135,000 के अराउंड है उनको कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो जो मार्क्स थे 2021 में वो 474 थे, ठीक है, तो इस बार हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जिनके 471 या 470 भी हैं उनको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज BHMS मिल जाएगा। और अगर हम रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पिछली बार 108,640 क्लोजिंग रैंक थी, तो लगभग 110,000 115,000 के अराउंड इस बार कॉलेज हमको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं OBC में। EWS की अगर हम बात करते हैं तो EWS के 394 क्लोजिंग आपके मार्क्स गए थे, और इस बार हम मुझे लगता है बेटा यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, ये 870 के अराउंड तक मिल जाएगा,
ठीक है। और ये थोड़ा सा करेक्शन एरर है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा बेटा। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के 383 जो मार्क्स थे वो थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जिन बच्चों के मार्क्स 380-379 है उनको इजीली कॉलेज मिल जाएगा। 214,818 रैंक पिछली बार थी और इस बार हम 217,000 से 217,500 तक जिन बच्चों की रैंक है उनको ईजिली फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 337 लास्ट ईयर के क्लोजिंग मार्क्स थे, इस बार 335-334 वालों को भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और लास्ट ईयर की जो रैंक थी 297,000 थी। मैं तो कहती हूँ कि बेटा इसमें 5,000 और ऐड कर लो। अभी मैंने बहुत ही सेफ साइड पे रैंक बताई है कि 300,000 तक जिनकी रैंक है, इवन 300,500 भी जिसकी रैंक है, इवन 300,000, तो उन बच्चों को भी एसटी कैटेगरी के अंदर बीएचएमएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये बेटा डेटा बहुत ही ज़्यादा टूल्स का यूज़ करके तैयार किया गया है और आप इसको देख ले और पैनिक ना हो। अगर आपके मार्क्स इससे कम आ रहे हैं तो भी मैं आपकी हेल्प करूँगी कि किस तरीके से आप कॉलेज के अंदर ले सकते हो, एडमिशन चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, उस सारी चीज़ में मैं आपकी हेल्प करूँगी बच्चों। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट टाइम में मैं राउंड 2 और मॉपअप की भी कट ऑफ लेके आऊँगी बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, आपको अच्छी तरीके से समझा के कि आखिर ये डेटा मैंने क्यों लिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और बेटा जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करना मत भूलना। 10 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं आयुष की काउंसलिंग के, तो बेटा आप जाओ और उस साइट से अपना जो नोटिस है जो भेजा है उसको डाउनलोड करो, उस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ो। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, मैं आपको उस पर वीडियो बना दूंगी। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर लाइफ, बाय।